हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई जस्ट होप सो कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे एंड अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं निधि अभी चैनल से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त मजेदार वाला सा व्लॉग लेकर के। चिट चैट वीडियो आप लोगों के रिक्वेस्ट होती है तो मैं इस कड़कती हुई सी ठंड में भी लेकर के आ रही हूँ। तो सोच लीजिए यार, बस मुझे बदले में आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट चाहिए। बहुत ठंड होती है और इस ठंड में इस तरीके से वीडियोस को बनाना इज नॉट एन इजी टास्क, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। जिसको लगता होगा ना कि आसान है, कुछ लोग बोलेंगे, कमेंट करते हैं कि दी आपने ऐसे अब ब्लाउज क्यों वेयर किया, स्लीवलेस ब्लाउज क्यों नहीं वेयर किया, या फिर कुछ भी। तो डियर, आप लोग समझ सकती हो कि इस ठंड में ना इस तरीके से ही वीडियोस बनाना आसान नहीं है, बट फिर भी मैं लेकर के आती हूँ आप लोगों के लिए वीडियोस। तो आज है, दिन है इतवार का नहीं, आसो दिन है गुरुवार का और सुबह का टाइम है, 10-11 बज रहे हैं। खाना बन चुका है, सब्जी बन चुकी है, दाल बन चुकी है। मुझे बनाना है चावल दाल खाली करके, तो वो करूँगी। हॉल की करनी है क्लीनिंग। मैं सोचती हूँ कि मैं डेली हॉल की क्लीनिंग क्या दिखाऊँ, पर मेरे हॉल की कंडीशन ही ऐसी हो जाती है। मेरी जो प्रिंसेस है ना, वो क्या करेगी, ये उसका रूम है, ठीक है, मतलब देख करके पता चल सकता है कि ये रूही का रूम है। रूही के टॉयज एंड एवरीथिंग यहाँ पे, हर जगह हमने उसी का ही सेटअप बनाया है। ये जो सारे ड्रॉर्स हैं, पहले मैं अपने लिए यूज करती थी, फिर ये सब कुछ उसके लिए यूज करने लगे। तो क्या करेगी, सारा कुछ यहाँ से लेकर के जाएगी, हॉल में रख देती है, क्योंकि हॉल में हम लोग ज्यादा रहते हैं। तो उसको भी लगता है ना यार कि हॉल में ही, मतलब मेरे सारे सामान रहे, पर पूरा दिन तो हॉल में नहीं फैला करके रख सकते कि घर पे कोई आया तो अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि वो जब भी घर को ऐसे फैलाती है ना, तो हम लोग को बड़ा अच्छा लगता है यार, क्योंकि अभी तो फैला लेगी, बड़ी होगी तो थोड़ी कुछ करेगी। वो खुद ही इतनी समझदार अभी से ही है और भी समझदार हो जाएगी, फिर तो कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए दिखाती हूँ ना मैं सबसे पहले आपको अपना हॉल। तो ये देखिए, ये अपने रूम से सारे टेडीज ले आएगी। और सबसे पहले तो देखिए, इसने अपने सारे टेडीज को ड्रेस पहना रखा है, सबको, मतलब ठंड लग रही है तो सबको ही पहनवाना है, तो सबको ड्रेस पहना दिया। हमने क्या किया है, यहाँ की ये जो सोफा की टेबल यहाँ पे रहती है, तो ये टेबल हमने साइड में कर दिया और इसका यहाँ पे हमने मैट डाल दिया है। जब ज्यादा ठंड किसी दिन बहुत तेज मतलब होती है तो यहाँ पे एक मैट्रेस भी डाल देते हैं, बट उतना भी जरूरत नहीं होती है, ठंड तो है ही, बट मैं इससे ही काम चल जाता है। और ये देखिए, अब ना मैं सारे के सारे इसके उठाऊंगी और ले जा करके रखूंगी इसके रूम में। अभी इसके रूम में रख दूंगी ऐसी, क्योंकि फिर बाद में कितना भी मैं कर लूंगी, उसके रूम को मुझे फिर से सेट करना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, मैं लेकर के चली और मतलब इतने ज्यादा से लाएगी ना, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक दो टेडी वो ले आए अपने और वो खेल ले, नहीं, जब भी आएंगे तो उसके सारे आने हैं। इसका ये थोड़ा सा रहता है सीन, इसको सभी लाने होते हैं। और अब इसके बाद मैं यहाँ पे ना इसके टॉयज देख रही थी कि कौन कौन से टॉयज मुझे इसके रूम में रखने हैं। वैसे ज्यादातर इसके रूम में ही रखती हूँ, कोई इक्का दुक्का हो जाते, मैं देख रही थी कि यहाँ पर भी एक दो रखे रहते हैं, बट ना वो खराब नहीं लगते हैं, अच्छा ही लगता है, तो वो ना मैं रह जाने देती हूँ। बाकी तो ना मैं सारे के सारे ही टॉयज को इसके रूम में ही रखती हूँ। जब खेलती है यार, तो जाहिर सी बात है उसका रूम है तो उसे खेलना ही पड़ेगा। ये पता है, इसका एक स्वेटर है जिसको कि इसने पहना, उसके बाद जब गंदा हुआ तो मशीन वॉश था नहीं, ये हैंड वॉश कर दिया है ना, मतलब सूखने का नाम नहीं ले रहा। हमने इसको मशीन में ड्राई भी नहीं किया तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा। आज ये थर्ड डे है जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, जब एडिट कर रही हूँ, तो आई थिंक सो फिफ्थ डे है, हाँ, बट इसके बाद भी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ, थोड़ी सी धूप निकली है, हालांकि धूप हमारे यहाँ तो आती नहीं है। और ये देखिए, मतलब कभी कभी तो हमें लगता है ना यार कि इस घर है कि प्ले स्कूल है, सारे ऐसे सामान रहते हैं ना कि मैं क्या ही बोलूं। और ये इसकी बहुत प्यारी सी डॉल है, ये रूही को इतना ज्यादा पसंद है ना कि जब वो सो जाती है और अगर हम ये डॉल देख लेना तो इस डॉल को प्यार करने का मन हो जाता है, क्योंकि जब रूही का इतना ज्यादा लगाव है तो बस अपने आप को भी ना वही वाली सी फीलिंग आती है। तो मुझे भी ये डॉल बहुत ज्यादा प्यारी लगती है, जस्ट बिकॉज कि ये रूही को बहुत पसंद है डॉल। यहाँ पे ना मैं अब सारे कुशन अरेंज करके रख रही हूँ, सेट करके,
एक एक करके अगर काम समेटते जाओ ना, ये इसका एक पर्स है छोटा सा क्यूट सा, जिसको कि ना मैं इसके पीछे ही डाल देती हूँ, वो भी इसी सॉफ्ट फैब्रिक का है तो मैं वहीं पर ही डाल देती हूँ। सो गाइज अभी ना मेरा हॉल देखो पूरी तरीके से क्लीन हो गया है, हॉल से लेकर के मतलब सोफे से लेकर के बेड एवरीथिंग इज क्लीन। वो कपड़ा पड़ा है डस्टबिन का, उसको मैं अभी उठा लूँगी और अब आगे का काम चलिए, मैं पहले थोड़ा सा कर लेती हूँ रेस्ट। और इसके बाद ना मैं यहाँ पे कामों काम में मेरी हैंकी रह गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो इसको टक कर लूँ एंड आफ्टर दैट चॉकलेट खाऊंगी लेकर के मैं बैठी हुई हूँ। तो पहले ना मैंने इसको अच्छे से टक कर लिया। हाँ सो इसमें ना रखी हुई है कुछ मूंगफली लाए थे और वो जब से आई है ना मतलब ऐसे ही हो रहा है कि इसी वाले बाउल में मूंगफली पड़ी है, हम उसको बार बार से गर्म हम जो है इसको ऐसे ही गर्म करते हैं 20 सेकंड 15 सेकंड गर्म करके और हम खाते हैं। करीब एक पाव या आधा किलो मूंगफली थी ना, एक पाव शायद थी और एक हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है। बंद कर देना जलने न लगे, चलने दे। चलिए जैसी मूंगफली हो जाती है निकालते हैं। देखो कितना महक आ रही है, तभी ना क्रंची। बंद कर दीजिए दरवाजा इसका। सो ये देखिए बढ़िया धुआं निकलती हुई मूंगफली रेडी है। तो ये देखिए गाइस यहाँ पे ना मूंगफली रेडी है, मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दे रही हूँ, नॉर्मल वाला सा सॉल्ट, क्योंकि अपने इस साइड में तो जो मूंगफली के साथ मिर्ची वाली चटनी मिलती नहीं है, सॉरी वो वाला तो नमक नहीं, वो वाली चटनी नहीं देते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इसी से ही खाती हूँ। तो चलिए गाइस मैं तो चली मूंगफली खाने, अगर आप लोगों को भी खाना है तो फटाफट से आ जाइए और सब लोग मिल करके खाते हैं, ठंडी में गर्मा गर्म मूंगफली के मज़े लेते हैं और बहुत अच्छे से गर्म हो जाती है। खोल दीजिए थोड़ा सा, खोल दीजिए, हो गया बंद, अच्छा सीटी लगेगी है ना। तो चलिए देखती हूँ अभी आगे क्या करना है, वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ मैं या नहीं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद आपसे। सो गाइज अभी ना मैं आप लोगों से मिल रही हूँ बहुत देर के बाद, मतलब ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम हो गया है और अब मेरी प्रिंसेस को सोना भी नहीं है, सोना तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आउच, क्योंकि एक बार ये सो चुकी है मेरी राजकुमारी महारानी है ना, सो चुकी है तो दोबारा तो ये नहीं सोएगी और अब जो दोबारा सोएगी नहीं, इधर देखिए और ना बगैर इनको दोबारा सोना नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इनको सिर्फ और सिर्फ मस्ती करनी है हम लोगों के साथ। तो अब से वो सिर्फ होगी, यस पापा तो वहां पे लेटे लेटे सो ही गया, पर ऐसे में क्या ही किसी को नींद आएगी। मैं देखिए ये देख, तो कुछ इस तरीके से सोते हैं पापा इसके, अगर थोड़ा सा भी आंख बंद कर ले तो इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं। ये देखिए तो गई जगाने, ये प्यार करने खेलने गई एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं कर देती हूँ सारे व्लॉग की एंडिंग, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। सो मिलूंगी आप लोगों से अपने ना अब मैं एक अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे ढेर सारा प्यार करिए, सपोर्ट कीजिए मुझे गाइस, आई रियली नीड योर लव एंड सपोर्ट। तो फटाफट से कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल बटन जरूर प्रेस करिएगा और कोई सी भी रिक्वेस्टेड वीडियो हो तो कमेंट कर दीजिए। हाय दिन बन जाता है, मतलब दिन रात का छप बन जाते इसकी प्यारी सी किसी पागल के, ओहो। और इनको चोटी नहीं करवानी, मैं चोटी करूंगी तुरंत खोलेंगी। हाँ मम्मा ने तो किए हुआ है छोटी, मम्मा की चोटी देख रही है। एनीवेज गाइस चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय कर दीजिए। हाँ यू आल्सो से बाय, बोलिए बाय। हाँ हो गया बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।